दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स आज आपको बताएंगे माइक्रोटेक 24x7 इन्वर्टर का मेन सेंसिंग या फिर चेंज ओवर प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे इस वीडियो में, और कुछ डायग्राम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है माइक्रोटेक 24x7 चेंज ओवर सेक्शन का डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे देख सकते हैं जब मेन इनपुट किया जाता है इसके बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है स्टेप डाउन वोल्टेज करने के लिए, जो कि ये 380 वोल्ट का होता है और इसकी आउटपुट में होती है 2323 वोल्टेज में देखने को मिलता है। यानी कि ये 440 वोल्ट पे आपको यहाँ पे 24 वोल्ट देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आप 220 वोल्टेज देंगे तो इसकी वोल्टेज जो हाफ हो जाएगी आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज आपको 200 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 10.5 वोल्ट देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे 10.5 वोल्ट जो होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में दो डायोड लाके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया और जो सेंटर टेपिंग है उसको ग्राउंड किया गया है। तो यहाँ पे जो एसी आ रही है वोल्टेज उसको डीसी में कन्वर्ट करके डायोड को थ्रू जो कि प्रीसेट से यहाँ पे दे दिया गया है, और इस यहाँ पे एक ग्राउंड किया गया है 830 रेजिस्टेंस है, 2.2 के का रेजिस्टेंस है। VR1 देख सकते हैं ये 5 के का है, इसके थ्रू जो कि वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है। और उसके बाद में 833 एक रजिस्टर है 4.7 के का, उसके थ्रू डायरेक्ट जो कि वोल्टेज चली जा रही है पिन नंबर 18 में। दोस्तों पिन नंबर 18 जो है मेन सेंसिंग इनपुट है, ये यहाँ पे ही मेन सेंसिंग इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। और यहाँ पे जब आपका वोल्टेज नहीं रहेगा डीसी पे उस स्पीड में यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ये मेंस आएगी उस स्पीड में आपको 2.5 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है इसको फिल्टर करने के लिए C16 जो कैपेसिटर है 4.7 माइक्रोफैराड का है और 50 वोल्ट में है। ये एक और रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे 832 3.3 के का ये रजिस्टर है, जो कि एक सिरा आपका आईसी के पिन नंबर 18 से कनेक्टेड है और दूसरा जो है ग्राउंड किया गया है। अब दोस्तों इसी में से कनेक्शन और चला गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 827 रजिस्टेंस है और इसकी जो रजिस्टेंस की वैल्यू है 2.2 के का है, और इसके थ्रू जो कि मेंस LED का कनेक्शन किया गया है। जैसे मेन सप्लाई आएगी उस पीरियड में यहाँ पे इसको जो कि रेजिस्टेंस के वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करके और 2 वोल्ट जो कि LED वोल्ट में LED में दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेन्स आने पर ये LED ग्लो करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा तब जाके ये चेंज ओवर होगा। लेकिन दोस्तों इनपुट जो है यहाँ पे इनपुट होता है, दोनों में अगर सिग्नल आएगी तभी जाके आपको ये चेंज ओवर देखने को मिलेगा। दोनों सेक्शन में आपको चेक करना होगा। हम लोग पिन नंबर 18 देख लेंगे कि जो कि ये मेन सेंसिंग इनपुट का कनेक्शन होता है यहाँ पे। अब दोस्तों पिन नंबर 1 समझेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 2323 उससे एक कनेक्शन चला जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 835 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 22 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ट्रांजिस्टर में गया Q5। ट्रांजिस्टर का सीरियल नंबर है, इसकी जो नंबर है BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी बेस पर सप्लाई जा रही है और यहाँ पे 834 से ग्राउंड किया गया है रजिस्टर से। इसके बीच में एक आप देख सकते हैं D11 यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, लेकिन ये आपका डायोड है 4148 वोल्टेज को यहाँ पे लिमिट ये करता है, यानी कि सडनली वोल्टेज को इंक्रीज नहीं होने देता है, डिक्रीज भी नहीं होने देता है। अब दोस्तों आगे हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे बेस पे कनेक्शन हो जाएगा। कलेक्टर जो है इसकी कलेक्टर से पिन नंबर 1 में ये कनेक्टेड होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है C19104 लगा हुआ है। तो यहाँ से एक सप्लाई जाएगी जो कि डिफॉल्ट में यहाँ पे 5 वोल्ट रहेगा, जैसे मेंस आएगी उस पीरियड में यहाँ पे वोल्टेज 2.5 देखने को मिलेगा 2.5 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्टर होता है जो कि पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है, आपको बता रहे हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट एक सप्लाई गई है रेजिस्टेंस थ्रू R41 2.2 के रेजिस्टेंस से, यहाँ से आपका 5 वोल्ट देखने को मिलेगा जब आपका
मेंस सप्लाई नहीं रहेगी। जब मेंस आएगी उस पीरियड में यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा, तब जाके आपको चेंज ओवर ये होगा। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है कम बेसी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो मेन सप्लाई आएगी उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज आपको 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज आने का उसके हिसाब से यहाँ पे होगा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज दोस्तों होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिलेंगे जब मेंस रहेगा, तभी जाके ये चेंज ओवर होगा, तभी ये सेक्शन वर्क करेगा जब यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे तब। और दोस्तों अगर चेंज ओवर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या क्या कंपोनेंट चेक करना है आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर चेंज ओवर ना हो तो सबसे पहले आपको ये ट्रांसफॉर्मर चेक करना है। यहाँ पे जो सप्लाई है LNN में, इसके बीच में आपको जो कि रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 2.2K का, और रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है तो इसको आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद में ये सप्लाई देना चालू कर देगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, उसके आगे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है इसको आप चेक कीजिएगा। और उसके बाद में वोल्टेज ना मिले तो आपको डायोड चेक करना है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 1 में भी आपको यहाँ पे 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहे कम आपको, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 मिल रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर चेक कीजिएगा, इसके थ्रू ही 5 वोल्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे अगर 2.5 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है जब मेंस प्रेजेंट है, तब आपको यहाँ पे PFPF को चेक करना, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड ये हुआ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है BC547, हो सकता है ये ख़राब होने पर भी आपका ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाए, इसको आपको ध्यान देना है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज जा रही है ट्रांसफार्मर से, यहाँ पे ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है जो कि वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड कर देगा, और यहाँ पे ये रजिस्टर ओपन होने पर भी वोल्टेज ग्राउंड कर देगा। यहाँ पे वोल्टेज जहाँ बढ़ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे 884 चेक करना है रजिस्टर, तो आप यहाँ पे इजीली रिपेयर कर पाएंगे, चेंज ओवर की प्रॉब्लम होगी माइक्रोटेक 2427 में तब। अब दोस्तों हम चलते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंपोनेंट चेक करना है। सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट होंगे वोल्टेज 10.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड में यहाँ पे एक वाइंडिंग आएगा, एक वाइंडिंग यहाँ पे सेंटर वाइंडिंग जो ग्राउंड होगा, उसके थ्रू देख सकते हैं ये आ रहा है वॉल्यूम कंट्रोल ABC में आ रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसके थ्रू जो वोल्टेज जाएगी यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 833। उसके बाद में यहाँ पिन नंबर 18 में सप्लाई जाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिन नंबर 18 में सप्लाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिलेगा, नहीं मिलने पर आपको यहाँ सभी कंप्लेंट आपको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे जितने सारे मैंने कंप्लेंट को जो शो किया हुआ है, अगर कोई भी यहाँ पे रजिस्टर चाहे जीनर डायोड चाहे आपका PF या फिर ट्रांसफॉर्मर भी अगर कोई ओपन हो जाए तो ये चेंज ओवर का प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक सप्लाई चली जाएगी, तो आप लोग समझ लिए यहाँ पे इसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कनेक्शन यहाँ से गया हुआ है, और यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ R35, इसके थ्रू यहाँ पे आएगी और ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बेस से होते हुए कलेक्टर से निकल के पिन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेंगे सप्लाई 2.5 वोल्ट। यहाँ पे 5 वोल्ट जो कि डिफॉल्ट में रहेगा प्रेजेंट होने पर, जो कि 2.5 वोल्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2.5 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है, और यहाँ पे वोल्टेज सही मिल रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सभी कंपोनेंट चेक करना है। दोस्तों कौन कौन सा कंपोनेंट खराब हो सकते हैं सभी का मैंने यहाँ पे नंबर दिखा दिया गया है, इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं और फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया आपको चेंज ओवर सेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में, नेक्स्ट में आपको बताएंगे बजर वर्क नहीं करे और ओवरलोड की प्रॉब्लम हो तो कौन कौन सा कंपोनेंट चेक करें। अगर मान लीजिए ड्राइवर सेक्शन आउटपुट सेक्शन में कंपोनेंट खराब होने पर ओवरलोड होता है, उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, अब बताऊँगा आपको LM358 IC के थ्रू जो कि ओवरलोड की प्रॉब्लम आए तो कौन कौन सा कंपोनेंट चेक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो को बहुत ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।